नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ताखान। आज मैं आपको राशिफल भी नहीं बोल रहा हूँ और कुछ स्पेशल इवेंट के बारे में भी नहीं बता रहा हूँ। एक बहुत कॉमन चीज़ है जो बच्चे की माँ प्रसव के बाद बराबर पूछवाती हैं, या दादी पूछवाती हैं, नानी पूछवाती है कि बच्चा मूल नक्षत्र में तो पैदा नहीं हुआ। डरने की चीज़ है, आनंद उस सब के बीच में एक डर छिपा रहता है कि बच्चा कहीं 27 नक्षत्र में तो नहीं जन्म ले लिया। 27 नक्षत्र है, किसी ने किसी एक नक्षत्र में तो जन्म लेना ही लेना है। डरने की कुछ बात नहीं है। इसी भ्रांति को मैं थोड़ा दूर करना चाहता हूँ। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स आर देयर इन इंडियन मैथोलॉजी। जो परंपरा से कुछ गलतियाँ, जैसे मैं कहूँ कि हनुमान जी की पूजा शनिवार मंगलवार को क्यों होती है, तो ये परंपरा है, किसी वेद में नहीं लिखा हुआ है, 18 पुराण में नहीं लिखा हुआ है, 108 ब्राह्मण ग्रंथ में भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक परंपरा से चली आती है। तो वही ये परंपरा है। ये ऐसी चीज है, मैं बराबर जंक्शन जंक्शन की बात बोलता रहता हूं। जंक्शन संधि, ये त्रिकोण है, एक संधि ये हुई, दूसरी संधि ये हुई, तीसरी संधि ये हुई। संधि क्या, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नक्षत्र यहाँ हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नक्षत्र यहाँ हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नक्षत्र यहाँ हुए, 27 नक्षत्र हो गए। इसको एक बोलो अश्विनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नक्षत्र हुए। फिर यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर यहाँ से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो 27 नक्षत्र होते हैं, या अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ऐसा करके चलते चलते इस 27वां नक्षत्र ये अश्विनी है, और ये 27वां नक्षत्र जो है ये रेवती है। ये आश्लेष है, ये मघा है। यहां पर ये 18वां जो है ये ज्येष्ठ नक्षत्र है, और ये 19वां जो है ये मूल नक्षत्र है। तो ये जंक्शन नक्षत्र है, दिस इज द जंक्शन, दिस इज अनदर जंक्शन, एंड दिस इज अनदर जंक्शन। तीन जंक्शन हुए। शास्त्र कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात बोल रहा हूं, ऋतु संधि शु व्याधय। जब दो ऋतुएं आपस में मिलती हैं, एक समाप्त होती है और दूसरा जब प्रारंभ हो रहा, तो ये जंक्शन हुआ, एक छोड़ रहा है और दूसरा वहां से शुरू हो रहा है। वन एंड्स एंड अनदर बिगिंस, दिस इज अ जंक्शन पॉइंट। तो शास्त्र कहते हैं, ऋषि
ऋतु संधि सु व्याधय, जब दो ऋतुएं आपस में छोड़ने और प्रारंभ होने की अवस्था में आ जाती हैं, संधि अवस्था में आ जाती हैं, तो रोग उत्पन्न होते हैं। अब ये बारिश का समय है, बरसात खत्म होगी, बरसात के बाद जब विंटर शुरू होगा उसमें भी कुछ रोग उत्पन्न होंगे। तो यदि किसी बच्चे का जन्म तीन संधियों में हो जाए, संधि तीन तरह के होते हैं, एक तो ऋतु की, ऋतु माने सीजन, जाड़ा गर्मी बरसात हेमंत, ये सारे जो छह ऋतु हैं वो छह ऋतु हुए, ऋतु की संधि, एक ऋतु खत्म हो रही है दूसरी प्रारंभ हो रही है। राशि की संधि, राशि संधि, ऋतु की संधि और राशि की संधि, एक दो, और तीसरा हुआ नक्षत्र की संधि। ये तीन तरह की संधि हुई। तो पहले तो बोलना है कि ऋतु में यदि संधि होती है, उसमें किसी बच्चे का जन्म होता है, उस दौरान में तो बच्चा को कोई रोग होगा, और सामान्यतः किसी रोग की उत्पत्ति भी होती है, नए नए रोग होते हैं ना आजकल, बहुत सारे जापानीज इंसेफ्लाइटिस और क्या क्या हो गए हैं, डेंगू है, ये है वो है, पहले हम लोगों ने सुना नहीं था नाम। तो ऋतु में जब संधि होती है तो निश्चित रूप से नए नए बैक्टीरिया और नए नए जीवाणुओं का जन्म होता है जो रोग उत्पन्न करते हैं। राशि की जब संधि होती है तब भी वही चीज होती है। राशि मतलब क्या है, ये कर्क राशि, चार राशि खत्म हो रहा है और यहां से पांचवा राशि शुरू हो रहा है, ये पांच राशि का प्रारंभ है। यहां एक राशि है, यहां पर अश्विनी माने एक राशि और रेवती का मतलब 27वां राशि। तो जहां पर 27वां राशि खत्म होता है और एक अश्विनी नक्षत्र शुरू होता है, तो ये भी जंक्शन हुआ। तो ये जो है ये 12 नंबर होता है, रेवती जो है मीन में होते हैं और अश्विनी जो है मेष में होते हैं। तो राशियों की संधि हुई, मेष राशि प्लस मीन राशि, कर्क राशि प्लस सिंह राशि और वृश्चिक राशि प्लस धनु राशि, ये राशियों की ये संधि हुई। उसी तरह से नक्षत्र की संधि हुई, अश्विनी प्लस रेवती, आश्लेषा प्लस मघा और ज्येष्ठा प्लस मूल, एक दो तीन, तीन नक्षत्र की संधि, तीन ऋतुओं की संधि, तीन राशियों की संधि। स्थिति ऐसी है कि यदि तीन संधियों में किसी बच्चे का जन्म हो तो बचना थोड़ा कठिन हो जाता है, उसकी आयु कम हो जाती है। और त्रिसंधि सु जातक व्याधिग्रस्त मृत्युग्रस्त भी उत्पन्न होते हैं। तो दिस जंक्शन इज अ वेरी डेंजरस प्लेस, द जंक्शन ऑफ स्टार्स दैट इज एस्टेरिज्म, द जंक्शन ऑफ राशिस एंड जंक्शन ऑफ सीजन्स। त्रिसंधु, तीनों संधि में यदि किसी का जन्म हो जाए तो वो तो आजीवन
या तो बचेगा नहीं, और बचेगा तो आजीवन डॉक्टर के पास ही बैठा रहेगा, ये स्थिति हो जाती है। अब इसका क्या असर होता है, मैं ग्राफिकली ड्राइंग बना के आपको बता रहा हूँ, कारण कि ये जो बोलचाल की भाषा में है ना, वो पंडितों की भाषा है, उसमें थोड़ा आपको समझने में कष्ट होगा, विश्वास करने में भी कष्ट होगा, विश्वास भी नहीं करते हैं लोग। कोई बच्चा 27 में जन्म हुआ तो हुआ, पंडित जी कहते हैं कि पूजा करवा ली यहाँ से, हो जाएगा पूजा। माता पिता को ये भी ज्ञान नहीं है आधुनिक जीवन शैली के अनुसार कि होता क्या है बच्चे के ऊपर असर, होता है, बिल्कुल होता है। देखिए बड़ी विचित्र दुनिया है, ईश्वर के सृष्टि की माया अपरंपार है। एक डेड बॉडी है, उसको आजकल परंपरा है ना दर्शन, लाश को रख दिया जाता है दर्शन करने के लिए। उस डेड बॉडी को रख दीजिए आप किसी हालत में और उसके दाढ़ी को ऑब्जर्व कर लीजिए और उसके नाक नखनों को ऑब्जर्व कर लीजिए। यदि आप 4 दिन तक या 3 दिन तक या 2 दिन तक आप रखते हैं तो आप पाएंगे कि उस मृतक शरीर के दाढ़ी के बाल बढ़ गए हैं, आदमी तो मरा हुआ है, नाखून बढ़ गए हैं, आदमी तो मरा हुआ है। बहुत अजीब चीज है, ईश्वरीय चीज, ईश्वरीय घटना वो सामान्य भाषा में तब तक ना समझी जाएगी जब तक मनुष्य ईश्वरीय भाषा को लेकर के उसके अनुरूप यदि रिसर्च नहीं कर लेते हैं तो। कारण कि जब तक आप समझते रहेंगे कि ये बेवकूफ़ी है, दकियानूस है, बेवकूफ़ लोगों की भाषा है, तब तक तो जो बच्चे जन्म लेंगे जंक्शन स्टार में दे विल सफ़र। जो लोग नहीं किए रहते हैं 10-12 साल के ऊपर के हो जाते हैं, 27 पूजा नहीं होती है, उनको मैं तुलादान का सलाह देता हूँ कि चलिए कुछ नहीं हुआ तो बच्चे के वजन के हिसाब से अन्न वस्त्र दान तो कर दीजिए, चांदी के 2 चंद्रमा तो दान कर दीजिए, कुछ रुपये भी पंडित जी को दक्षिणा दे दीजिए। ये सब्स्टिट्यूट है, दिस इज नॉट द टोटल सब्स्टिट्यूट, द होल सब्स्टिट्यूट, बट इट इज ए सब्स्टिट्यूट विच कैन सेटिस्फाइड योर माइंड, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी दे सकता है और थोड़ा रियल इफेक्ट भी दे सकता है। तो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस जंक्शन ऑफ मेष एंड मीना। आप जो उतार चुके होंगे वो उतार लीजिए, कारण कि मैं तो मिटा रहा हूं, और ये हमारा इनसाइड चैनल तो चलता रहता है, इससे आपको जब मौका मिले उतार लीजिएगा। ये मेष राशि है, थोड़ा ऊपर करके बनाओ तो, ये मेष राशि है और इधर ये मीन राशि है। मीन राशि के ये रेवती नक्षत्र हैं, अंतिम नक्षत्र रेवती, और मेष राशि का पहला नक्षत्र अश्विनी, और जंक्शन हो रहा है यहां रेवती का, ये एंड है और ये अश्विनी का बिगनिंग है, ये दोनों ही जुड़ रहे हैं, दे आर बीइंग जॉइंट, ये जंक्शन है, दिस इज द जंक्शन, ये रेवती है और ये अश्विनी है। यही मैं बता रहा हूं। अब इसको एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है,
13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, रेवती इज इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट। इसको हम चार टुकड़े में बांटते हैं, दो टुकड़ा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, चार टुकड़ा हुआ। अश्विनी को भी चार टुकड़ा में बांटते हैं। तो जंक्शन में कौन प्रभावित हो रहा है, हु इज कमिंग क्लोजर, रेवती का ये टुकड़ा अश्विनी का ये टुकड़ा, तो अश्विनी का जो हमने बंटवारा किया 13 डिग्री 20 मिनट, तो 13 डिग्री 20 मिनट को चार टुकड़ा किया, तो पहला टुकड़ा होता है 3 डिग्री 20 मिनट, दूसरा टुकड़ा यदि हम जोड़ेंगे 3 डिग्री 20 मिनट अगेन तो हो जाएगा 6 डिग्री 40 मिनट, फिर इसमें 3 डिग्री 20 मिनट और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 डिग्री, और चौथा टुकड़ा होगा 13 डिग्री 20 मिनट। तो रेवती का जो अंतिम टुकड़ा है ये फोर्थ टुकड़ा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और रेवती का ये चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला टुकड़ा। तो सबसे नजदीक कौन है, ये चौथा टुकड़ा है। तो जो टुकड़ा सबसे क्लोज है दे गेट इफेक्टेड बैडली, होल ऑफ द अश्विनी नक्षत्र इज नॉट बीइंग डिफेक्टेड, इवन द होल ऑफ द रेवती नक्षत्र इज नॉट बीइंग, सबसे ज्यादा डैमेज होंगे ये फर्स्ट टुकड़ा। तो कहा गया है क्या कि इसमें यदि जन्म हो तो रेवती नक्षत्र के चौथे टुकड़े वाले में जिसका जन्म हो रहा है, दोनों सतैसा है, ये भी जंक्शन स्टार है, ये भी जंक्शन स्टार है, तो रेवती के चौथे टुकड़े में यदि किसी को जन्म होता है तो उसको कष्ट होगा, कष्ट, कष्ट रोग को नहीं बोलते हैं, अरिष्ट बोलते हैं, माने कष्ट में दुख भी है, शारीरिक कष्ट भी है। और ये पहला टुकड़ा ये फादर को होता है, दिस गोज फॉर फादर। तो अश्विनी के पहले टुकड़े और रेवती के 27 टुकड़े जब मिलेंगे तो रेवती वाले व्यक्ति को कष्ट होगा, और अश्विनी वाले जो बच्चे जन्म लेंगे अश्विनी के प्रथम चरण में उनके पिता को कष्ट हो सकता है। और मैं बराबर बोलता हूं कि पापा बच्चे को गोद ना लें, पापा बच्चे का मुंह ना देखें, मैं ये बात बराबर बोलता हूं। तो पापा को तो कष्ट होगा ही, लेकिन बच्चे का भी जो एक सिर के पीछे में जो भगवान का जो ऑरा होता है ना, भगवान के चारों तरफ एक हॉलो सा प्रकाश रहता है, इसको ऑरा बोलता है। तो जब पापा गोद लेंगे तो ये ऑरा क्रैक करने लगता है, ये क्रॉक करने लगता है, जब ये क्रैक करने लगता है तो फिर यहां छोटी छोटी संध्या बन जाती हैं, फिर से छोटी छोटी संध्या बन जाती हैं, टुकड़े बन जाते हैं, तो बच्चे को बीमार होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए कहा गया है कि सतैसा नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, जंक्शन स्टार में जिनका जन्म होता है, उनके पापा उनको गोद ना लें। देयर इज सम रीजन, ऐसा नहीं कि बकवास के हिसाब से कही गई है। अब आप ये देखिए, इसके बाद जो सतैसा का जो तीसरा नेक्स्ट वाला जो टुकड़ा है वो ठीक है,
ये उससे भी ठीक है, ये उससे भी ठीक है। मतलब रेवती के अंतिम चार चरण में से जो लोग तीन चरण तक में जन्म लेते हैं उनको कोई सतैसा का असर नहीं होता है, बेनिफिट मिलता है। असर तो छोड़ दीजिए, बेनिफिट भी मिलता है। ठीक उसी तरह से अश्विनी नक्षत्र के चार चरण में से किसी को जन्म होता है तो पिता को कष्ट होता है, और ये चौथा चरण में जिनका जन्म है उनके लिए समय बहुत बढ़िया होता है, तीसरा में जिनका जन्म हुआ उनका भी स्टेटस राइज करता है, और इसमें भी जिनका जन्म हुआ दूसरे चरण में इनके लिए भी लाभ होता है। द पिक्चर इज वेरी क्लियर। ओनली दिस लास्ट बिगिनिंग वन एंड दिस लास्ट वन गेट्स द प्रॉब्लम। इस नक्षत्र में सिर्फ सतैसा का चौथा चरण और अश्विनी का प्रथम चरण में यदि कोई बच्चा जन्म ले तो उन्हीं को कष्ट होता है, या उनके पापा को कष्ट होता है अश्विनी वालों को, बट नथिंग फैटल, कोई फैटल नहीं है, डरने की कोई चीज है ही नहीं। नक्षत्र की पूजा, नक्षत्र की शांति कर देने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप यदि नहीं भी करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि यदि अश्विनी नक्षत्र बलि है और अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु शुभ हैं, आपके शुभ तारा में पड़ते हैं, फिर वही थ्योरी लागू कीजिए, जन्म संपत्ति विपत्ति क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र परमित्र, वो थ्योरी लागू कीजिए तो तब आप पाएंगे कि ठीक है ये चौथे में भी हैं, इसमें भी हैं, तब भी कोई कष्ट बहुत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा बहुत पूजा करा देने से ठीक ही है। अरे आप कुछ पूजा पाठ कराएंगे तो पंडित जी को कुछ दो चार पैसे मिल जाएंगे, उनको भी तो जीने का अधिकार है, वो तो भगवान के सेवा में लीन रहते हैं, दिन रात भगवान को धोते हैं, नहाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, आरती उतारते हैं, कुछ तो दान दक्षिणा हो जाएगी आपकी। तो ये एक एक, एक बढ़िया सिस्टम है। लेकिन आप जान लीजिए कि अश्विनी और रेवती वालों को कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। चौथा चरण, फोर्थ पार्ट, चौथा चरण खराब है और इसमें प्रथम चरण खराब है, ओके, आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। आई एम कमिंग टू द सेकंड जंक्शन। सेकंड जो है वो है आश्लेषा। आश्लेषा द ग्रेट स्नेक, आश्लेषा को सांप बोलते हैं। एक कुंडली मार करके एक सांप बैठा हुआ है जीभ निकाल करके, आश्लेषा इसको बोलते हैं। तो आश्लेषा का चार टुकड़ा किया, आश्लेषा के जो चार टुकड़े हैं वो 1, 2, 3, 4, इसमें नवांश होंगे 12, 11, 10 और 9। नोट कर लीजिए आप, सिर्फ यदि ये कंफ्यूज करता है आपको तो इसको सिर्फ नोट कर लीजिए आप, ये चार टुकड़ा ही मतलब रखिए। और इधर ये मघा है,
ये सिंह राशि में होते हैं और ये अश्लेषा कर्क में होता है। तो हम लोग जोड़ कहां रहे हैं, यहां जोड़ रहे हैं, यहां जुट रहा है। ये पोर्शन है, दिस इज कर्क एंड दिस इज सिंह। यहां आश्लेषा है और यहां पर मघा है। दिस इज द जंक्शन, इसी को हमने यहां लिखा है, यह आश्लेषा और मघा, और ये जंक्शन है, ये वाला पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट। ये जो हमें प्लस प्लस कर दिया हमें, और यहां पर नवांस का टुकड़ा होता है, एक दो तीन चार, सिमिलरली 3 degree 20 minutes, 3 degree 20 minutes, दूसरा टुकड़ा 3 degree 20 minutes, तीसरा टुकड़ा 3 degree 20 minutes, चौथा टुकड़ा, सबको जोड़िएगा तो 13 degree 20 minutes हुआ। ये एक नक्षत्र 13 degree 20 minutes का आश्लेषा, 13 degree 20 minutes का मघा, दोनों को जोड़ रहे हैं, जंक्शन है, दिस इज द जंक्शन, ये जंक्शन है। तो कहाँ खराब होता है, मैंने कहा कि जो सबसे नजदीक होगा, ये सबसे नजदीक तो ये है, ये टच कर रहा है किससे, इस लाइन से, हमने थोड़ा दूर करके रखा है, बट एग्जैक्टली इट इज टचिंग, बोथ द लाइन्स आर एक दूसरे के ऊपर में है। जैसे मैं ऐसे कर दूं, ऐसे है, ये बीच वाला लाइन कॉमन है, तो ये टुकड़ा खराब हो गया और ये टुकड़ा खराब हो गया नजदीक होने के कारण। तो मघा नक्षत्र जो है पितर को ज्यादा इंडिकेट करते हैं, अवर एंसेस्टर्स। तो ये कष्ट दिया पिता को या पितरों को, इस बच्चे के जन्म होने से पितरों को थोड़ा कष्ट हुआ है, इवन इनके पिता को भी कष्ट हो सकता है। ये लड़का धर्म कर्म माने या ना माने, हो सकता है कि जब जल देने का समय आता है, पितृपक्ष आता है, तो जल नहीं भी डाले, इसके स्वभाव में वो तल्खी हो सकती है। और वही चीज यहां भी है, आश्लेषा नक्षत्र जो है ये विषय 4 number में है, ये एंड करता है, ये माता को भी इंडिकेट करता है, आश्लेषा कर्क राशि में रहने के कारण माता को भी इंडिकेट करता है, लेकिन ये नक्षत्र पिता को भी कष्ट करता है, पितर। तो ये पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा जो है ये खराब हो गया, दिस इज अ बैड वन। यदि ये पिता को कष्ट हो रहा है तो मघा नक्षत्र में ये माता को कष्ट होगा, ये ज्यादा है तो ये कम है। ये ज्यादा है, थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है, फिर ये शुभ हो गया। मघा का 3 portions, यदि किसी का जन्म मघा या आश्लेषा में होता है तो मघा के 3 portions तक यदि किसी का जन्म हुआ है तो ये 3 portions खत्म होंगे, उनके कठिन होंगे, अशुभ होंगे, लास्ट में जो होगा तो वो शुभ होगा। देखिए यहाँ पर ये कर्क का नवांश पड़ता है, अब ये सब बोलूँगा तो थोड़ा आप कंफ्यूज कर जाएंगे, असल में उधर नहीं जाना चाहता। तो ये भी खराब हो गया इनका, तो ये भी पिता को कष्ट दिया, सिमिलरली ये माता को कष्ट दिया। देखिए आश्लेषा और मघा में पहला 2 मम्मी पापा, ये भी मम्मी पापा होते हैं, तो ये दोनों कष्ट में आ गए। और ये भी है खराब, धन हानि है, तो ये भी धन हानि हो गया, ये भी खराब है।
बहुत खराब, थोड़ा खराब, कम खराब, अन अच्छा, बहुत खराब, थोड़ा खराब, उसे भी कम खराब और अच्छा, समझ लीजिए आप। माता पिता को बैठाने का कुछ कारण है, वो मैं उसके लिए थोड़ा नक्षत्रों के ऊपर में डिटेल जाना पड़ेगा। अभी इसको बोलने लगूंगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कभी आराम से बोलूंगा। तो अभी इसको समझ लीजिए कि ये जंक्शन पॉइंट है, ऋतु संधिसु व्याधया, नक्षत्र संधिसु व्याधया, राशि संधिसु व्याधया, त्रिसंधिसु मृत्यु। तो ये भी मैंने आपको बताया, और दूसरा संधि, अब तीसरी संधि की बात कर रहा हूं मैं। तीसरी संधि जो है वो वृश्चिक राशि और धनु राशि में लगता है। ये मेष और मीन, ये कर्क और सिंह, ये वृश्चिक और ये धनु, ये संधि, ये संधि, ये संधि। तो मैंने इसके बारे में बता दिया है, इसके बारे में बता दिया, धनु के बारे में बता रहा हूं आपको, धनु और वृश्चिक की जो संधि है, तीसरी संधि, उसके बारे में बता रहा हूं। वृश्चिक का अंतिम जो पड़ेगा वो ज्येष्ठा होता है, जिसे ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा को चार टुकड़े में बांटा, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, तो 13 डिग्री 20 मिनट हुआ। ये एक नक्षत्र ज्येष्ठा, एक नक्षत्र की दूरी आकाश में 13 डिग्री 20 मिनट की होती है, 13 डिग्री 20 मिनट को 27 से गुणा कर दीजिएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, एक भचक्र हो जाएगा, एक गोल हो जाएगा, एक पथ हो जाएगा जिस पर ग्रह घूमते हैं। और इसके बाद मूल इसको भी हम चार टुकड़े में बांट रहे हैं, 13 डिग्री 20 मिनट को 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट। तो ये सटे कौन है, जंक्शन कौन सा हुआ, ये दोनों, ये जंक्शन में आ गया। तो ये मूल का पहला चर, दूसरा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा और नवांश भी सेम होता है, ये नवांश भी होता है, पहला टुकड़ा मेष नवांश, दूसरा टुकड़ा वृषभ नवांश, तीसरा टुकड़ा मिथुन नवांश, चौथा टुकड़ा कर्क नवांश। फिर ज्येष्ठा में यहां 12 होगा, यहां 11 होगा, यहां 10 होगा, यहां 9 होगा। तो 12, 10, 9 ये बराबर खराब होते हैं, और ये सटा हुआ है इसलिए पहला टुकड़ा खराब होगा मूल का। जो जितना नजदीक है वहां उतना ही कष्ट होगा। तो पिता पहले आते हैं हमेशा, उसके बाद माता आती हैं, कहीं कहीं पर माता नहीं दे करके भ्राता लिखा हुआ है, भाई। फिर ये धन की हानि और शुभ, 3, 2 क्रॉस एंड राइट, 3 क्रॉस 2 क्रॉस एक तरफ, बहुत अशुभ, अत्यंत अशुभ, बहुत अशुभ, अशुभ और शुभ। उसी तरह से ज्येष्ठ में आप देखेंगे ज्येष्ठा में यहां पर पिता नहीं रहते हैं,
यहां पर सेल्फ बच्चा ही रहता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है और वो पहले टुकड़े में पड़ जाता है, जैसे मीन नवांश में पड़ गया, पहला टुकड़ा में पड़ गया, जहां पर जंक्शन होती है 9, 10, 11, 12, ये पहला टुकड़ा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो पूरे जंक्शन स्टार में सिर्फ ज्येष्ठा में यदि जन्म होता है, वो भी पहले टुकड़े में होता है, तो बच्चे के लिए घातक होता है। नाउ दिस शुड बी वेरी क्लियर कि सभी 27 में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ज्येष्ठा में यदि है तो जरूर प्रॉब्लम होगी। एंड मैं माता पिता को रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़े पैसे खर्चे होंगे, होने दीजिए, डजंट मीन बच्चे की कीमत करोड़ रुपए भी नहीं है, उससे भी बहुत ऊपर है। तो बच्चे के ऊपर यदि 500,000-1,500 रुपए खर्चे हो जाता है, पंडित जी ठग लेते हैं, मान लिया, ठग लिया आपको, ठगने दीजिए, बच्चे की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। मान लिया आपके पास उतना भी पैसा नहीं है तो तुलादान कर दीजिए, तुलादान, बच्चे एक गज कपड़ा ले लीजिए, बच्चे को तलपेटा जा सकता है उसमें, चावल ले लीजिए, सफेद वस्त्र के साथ पीले वस्त्र कर दीजिए, ये 3 किलो चावल ले लीजिए, बच्चे के वजन से ज़्यादा, जितने बच्चे का वजन है उतना से ज़्यादा ले लीजिए, उसमें प्रोपोर्शनेटली दाल रख दीजिए, नमक छोड़ करके खाद्य पदार्थ जो भी आपकी देने की इच्छा हो, और 2 चांदी का चंद्रमा लाल रंग में बनवा लीजिए। यदि सूर्योदय के आसपास का जन्म है तो लाल रंग, और यदि रात के समय का जन्म है तो काले रंग का धागा में चंद्रमा को बनवा लीजिए। एक तो पंडित जी को दान कर दीजिए, और एक पंडित जी वो दान लेने के बाद एक पंडित जी खुद उसके गले में पहना देंगे, बस इतना काम कर दीजिए, आपका काम खत्म हो गया, 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया में ही काम खत्म हो गया आपका। छोटा चांदी का टुकड़ा से बनवा लीजिए, आपके घर में चांदी के टुकड़े होंगे, बिछिया ओछे का तो पैसे नहीं है तो उससे भी आप चांदी बनवा सकते हैं। तो ये जो पहला टुकड़ा है ज्येष्ठा का, पहला टुकड़ा, फर्स्ट टुकड़ा, ये फर्स्ट पार्ट में ही बच्चे को हानि होगा, दूसरी जगह और कहीं हानि नहीं होगी। उसके बाद ये थोड़ा माता को कष्ट होता है, मम्मी, क्योंकि पुत्र या पुत्री अपने माँ से अन्योनाश्रय संबंध है, मम्मी के पेट से ही उत्पन्न होती है, बीज पिता का होता है और क्षेत्र मम्मी का होता है, बीज कुंडली और क्षेत्र कुंडली कहलाती है, माता की कुंडली क्षेत्र कुंडली या पत्नी की कुंडली क्षेत्र कुंडली कहलाती है, पिता की कुंडली या पति की कुंडली बीज कुंडली कहलाती है। इसलिए माता हमेशा रहते हैं, माता को कष्ट होने की संभावना रहती है, फिर इसमें थोड़ी धन हानि की बात है और ये शुभ है। नो यू हैव गॉट द क्लियर कंसेप्ट। हमने कहा कि हमेशा जो चौथा टुकड़ा है जंक्शन का, जो चौथा टुकड़ा है यहां से जितना दूर, इस जंक्शन से जितना दूर जा रहा है उतना शुभ हो रहा है, उतना ही शुभ हो रहा है, यहां थोड़ा कम कष्ट होगा लेकिन ये शुभ होगा, ये शुभ होगा। और दुख होगा कहां, जितना सटा हुआ है तो दुख होगा, ये थोड़ा और अधिक दुख, इससे और थोड़ा अधिक दुख, ये बात है। तो ये थोड़ा आप समझ लीजिए। बंद करना भूल गया था, बंद कर लेता हूं। नहीं, 2 मिनट जैसे ये तंग कर देता है आपको। तो अब आपने देखा कि 27 नक्षत्र उर्फ मूल नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र,
सभी को बोल चाल की भाषा में मूल नक्षत्र ही बोलते हैं, लेकिन बच्चा को जहां सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो ज्येष्ठा का पहले टुकड़े में जंक्शन के करीब होता है। बाकी सब जगह में माता पिता को हो सकता है, और को हो सकता है, भाई को हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड घटती जाती है। जंक्शन से जितना दूर होते चला जाता है मैग्नीट्यूड घटता चला जाता है, और अंतिम टुकड़ा हमेशा शुभ होता है। इधर का भी अंतिम टुकड़ा हमेशा शुभ होगा, तो ये समझ लीजिए। इसी को आप मूल नक्षत्र बोलते हैं, इसी को सतीसा नक्षत्र बोलते हैं, और ये चीज है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, डरने की कतई बात नहीं है। या तो आप मूल नक्षत्र की पूजा करा लें, या सतीसा नक्षत्र यदि जन्म हुआ है, सामर्थ्य ना हो तो तुला दान कर दीजिए। बच्चे का वजन 2 किलो 3 किलो ही होगा, अभी 3 किलो अनाज चावल लेकर के दान करते हैं, हल्दी डाल दीजिए उसमें, दाल डाल दीजिए, तो एक गज कपड़ा ले लीजिए जिसमें बच्चा लपटा सके, उसको दान कर दीजिए ब्राह्मण जी को। यदि चंद्रमा आप नहीं भी बना सकते हैं तो चलिए कोई चांदी का टुकड़ा घर में पड़ा हुआ होगा तो भी काले धागे के साथ ब्राह्मण को दान कर दीजिए, लाल कपड़े में लपेट के या काले कपड़े में लपेट के दान कर दीजिए चांदी, लेकिन बेहतर होगा चंद्रमा बना लीजिए। बना बनाया चंद्रमा मिलता है सुनार के दुकानों में। तो ये मैंने परिचय दिया आपको, व्हाट इज दिस सतीसा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, थोड़ा अध्ययन कीजिए और इसका इम्प्लिकेशन क्या होता है। हमेशा ये यूज करना पड़ेगा आपको जन्म संबंध, ये नक्षत्र के हिसाब से चलिए, नक्षत्र के हिसाब से प्रॉब्लम होती है। तो मान लिया किसी के मूल नक्षत्र में जन्म है और मूल नक्षत्र किसी का साधक तारा में है, सक्सेस तारा में है, सक्सेस जोन में है, तो ये मूल नक्षत्र में जन्म लिया हुआ बच्चा तो आपको भवसागर पार करा देगा, तार देगा ये लड़का आपको। तो इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड, दैट इज द मेन पॉइंट। आज यहीं तक, इति शुभम तेहंदो निनाग्ञे जोहार।